वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया सुबह की मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में उठ चुकी थी, फेस वॉश वगैरह कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने घर की डीप क्लीनिंग की, उसके बाद मैं लग गई नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं हलवा और पराठा खाऊं। तो यार कभी कभी क्रेविंग होती है तो फिर आप रोक नहीं सकते हो। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने हलवा बना लिया था, पराठा भी बना लिया था सिंपल सा अपने लिए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल वाला मैं नहीं खाती। फिर मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके घर वालों को भी नाश्ता बनाकर देना चाहिए। फिर अब यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ जल्दी जल्दी करके मैं पराठा बना रही थी। पराठा बनाने के बाद मैंने कहा चलो यार सिंपल सा ऑमलेट बना दूंगी। ऑमलेट बनाने के बाद फिर यार अभी बस नाश्ता शाश्ता करेंगे तो फिर उसके बाद इतने सारे ढेरों ढेर बर्तन हो जाते हैं, फिर आपको जल्दी जल्दी करके यार बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। बर्तन वॉश करने के बाद फिर आपको जल्दी से फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि यार दोपहर का खाना भी आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई बनाकर तो देने वाला है ही नहीं। तो इससे बेहतर है आप जल्दी जल्दी करके अपना काम करो। फिर यार ये थोड़ा तवा हमारा ख़राब हो चुका था, तो फिर यहाँ पे इतने जल जल के पराठे बन रहे थे, मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था। इतना आप इरिटेट हो जाते हो जब आपका काम अच्छा नहीं होता, तो फिर आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तवा पूरा ख़राब हो चुका था, पता नहीं क्यों उसके छिलके उतर रहे थे काले काले, तो फिर इतना कोई गुस्सा आ रहा था। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके सिंपल सा मैं ऑमलेट बनाती हूँ, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची, थोड़ा सा नमक और कुछ भी नहीं डालती। फिर मैंने कहा चलो यार ये बन जाए, और ये गैस इतना आज तंग कर रहा था, लग ऐसे रहा था कि तेज़ गैस है, पर ये कभी तेज़ हो रहा था कभी कम हो रहा था, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था गैस भी। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मेरा अंडा भी बन चुका था, तो फिर मैंने कहा चलो यार नाश्ता शाश्ता बनकर रेडी है, अब नाश्ता खा लेते हैं, फिर उसके बाद लगूंगी घर के काम को। फिर यार बस सिंपल से बर्तन वगैरह धोने हैं, तो फिर सफाई वफाई करनी है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो यार आज इतने दिन हो गए दाल नहीं पकाई, तो मैंने कहा चलो यार आज फ्राई वाली दाल बना लेते हैं, भुनवा दाल, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर यहाँ पे टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, मेरे बाबा सब्जी ले आए थे, दाल भी ले आए थे, तो मैंने कहा चलो यार अब दाल बना लेती हूँ, क्योंकि यार दाल बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, दाल इतनी जल्दी बन जाती है। आप क्योंकि भिगो के रखते हो तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, अगर आप भिगो के नहीं रखते तो फिर आपकी दाल कच्ची हो जाती है, फिर आपकी दाल इतनी मज़ेदार नहीं बनती, फिर आपको इतनी ज़्यादा कोई थकन हो जाती है, फिर आप इतना इरिटेट हो जाते हो। तो फिर यहाँ पर मेरा काम था जल्दी जल्दी करके दाल को बनाना, तो फिर मैं लग चुकी थी काम करने के लिए। फिर यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया ये मैंने कट कर कर रख दिया था। फिर मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी खाना शाना बना लेते हैं, क्योंकि खाना शाना तो बनाना है यार, भूखा तो कोई भी नहीं रह सकता। नाश्ता फिर भी आप कर लेते हो, फिर भी यार घर वालों को खाने की क्रेविंग तो बहुत ज़्यादा हो ही जाती है। और किचन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साफ़ सुथरा हो चुका था, क्योंकि नाश्ते के बाद फ़ौरन ही मैंने बर्तन धो लिए थे, क्योंकि बर्तन मैं रखती नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मैं कहती हूँ किचन गंदा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने प्याज इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी है, अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी, क्योंकि जितना आप भूनते हो उतनी आपकी मज़ेदार दाल बनती है, और जितना आप प्याज को भूनते हो, कच्चे प्याज में आप दाल बना ही नहीं सकते हो, तो फिर आपकी दाल में हीक आएगी। तो फिर इससे अच्छा है कि आप प्याज को अच्छी तरीके से भून लो, अच्छी तरीके से मैश कर लो ब्राउन करने के। फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे मैंने स्पीड लगा दी थी। फिर यहाँ पे इसको भूनने के बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डालने के बाद टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद बस फिर मैं दाल ऐड कर दूँगी। दाल को भूनने के बाद पानी डालकर मैं छोड़ दूंगी दम पर, क्योंकि दम पर आप छोड़ दोगे फिर आपकी दाल गलेगी, तो फिर आपको दाल को घोटना पड़ेगा। फिर घोटने के बाद बस 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपकी दाल बनकर रेडी है। और दाल इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी यम्मी बनी थी। और यार ये वाला हमारा गैस इतना कोई ख़राब है, बहुत ज़्यादा इससे तंग किया है। जब तक वो वाला गैस बनता नहीं है तो फिर मैं रोटी वाला क्लिप इसलिए रिकॉर्ड नहीं करती, और बर्तन वाला भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि आप बर्तन कैसे वॉश कर सकते हो, इतना बड़ा गैस पड़ा है, इतना भारी है, इतना वज़नदार है, ये हटता भी नहीं है, तो ट्राईपॉड में कहाँ रखूँ। तो फिर यहाँ पर सिंपल सा मैंने पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद अब मैं इसको छोड़ दूंगी जब तक दाल गले। दाल गलेगी इसको ढक्कन लगा दूंगी, फिर दाल गलेगी तो बस फिर घोटना ही होता है, क्योंकि दाल तो इतनी सिंपल सी रेसिपी है, हर किसी को आती है, पर हर किसी का तरीका अपना अलग होता है, कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। मुझे इस तरीके से दाल बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सिंपल सी रेसिपी है और जल्दी से बन भी जाती है। और हमारे घर वालों को ये बहुत ज़्यादा दाल पसंद है, क्योंकि हमारे घर में मिक्स दाल नहीं बनाती, क्योंकि लाल दाल सबकी फेवरेट है, तो फिर ये बनती भी जल्दी है। और जितना आपके कोई जल्दी काम होता है तो फिर आपको खुशी भी लिटरली कितनी ज़्यादा मिल जाती है। फिर यहाँ पर दाल फाइनली मेरी थोड़ी सी गल चुकी थी, पानी भी सूख चुका था, क्योंकि मैंने गैस थोड़ा ज़्यादा ही खोल दिया था, तो मैंने कहा बस जल्दी से हो जाए। फिर यहाँ पे मैं दाल को घोट रही थी। घोटने के बाद बस मैं इसको छोड़ दूंगी 10 से 5 मिनट तक। फिर बस वही काम है, आपको रोटी बनानी है जल्दी जल्दी करके। रोटी बनाने के बाद, सबको रोटी सर्व करने के बाद, फिर आपको फिर दोबारा किचन में बर्तन धोने, सफाई करनी है, फिर आपका यार काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं देता। फिर आप ये तो खाना शाना बना लेते हो, फिर आपको यार रात के खाने की भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, फिर रात के बर्तन की टेंशन, मतलब यार काम ही काम है ज़िंदगी में, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा,
क्योंकि यार अगर खाना बनाओगे तो आप खाओगे, क्योंकि आपको बनाकर तो कोई देगा ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि अपना काम खुद करो और जल्दी जल्दी खाना शाना बना लो। तो मैं तो बस इतनी टेंशन हो जाती है मुझे खाने बनाने की, क्योंकि मैं गैस से पहले पहले खाना बना लेती हूँ, अगर गैस चला जाता है तो फिर इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, गैस चला जाता है तो कितनी ज़्यादा आपको परेशानी हो जाती है। तो इससे बेहतर है आप अपना काम जल्दी जल्दी कर लो, तो फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके खाना शाना मेरा बनकर रेडी था, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना था। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहीं तक का मेरा व्लॉग था, बाय।